हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज है संडे और काफी दिनों बाद यार मैं आज आप लोगों के लिए जो क्यू एन ए वाला वीडियो है वो यहां पर लेकर आ गया हूं। तो आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी आपने कम्युनिटी में सवाल पूछे थे उनके जो है यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। वैसे यार आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अब आप लोगों के जो सवाल है उनको हम लेना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो पहला जो सवाल यहाँ पर आता है वो निखिल जो है पाटीदार का आता है, और इनका कहना है भाई YouTube अर्निंग मंथली वाईटी और जो है यू आर बिगेस्ट फैन। तो भाई आपके काफी ज्यादा कमेंट कुछ दिनों से आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ आपका सवाल है कि भाई YouTube से मंथली अर्निंग कितनी हो रही। तो भाई अभी तो जो है अप्रैल के बाद में तो बहुत बुरा हाल है मेरा तो यहाँ पर YouTube पर, और अभी तो अर्निंग बहुत ही कम यहाँ पर हो रही है, यानी कि जितनी पहले अर्निंग होती थी उससे करीबन जो है 1/4 हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 1/4 अर्निंग यहाँ पर हो रही है, और एस्टिमेटेड अर्निंग मैं फिलहाल आप लोगों को बताऊँ तो भाई 30,000 से 40,000 रुपए के बीच में अर्निंग हो रही है, इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है। हाँ, अगस्त के महीने में कुछ एड्स यहाँ पर ज़्यादा आए हैं तो इस बार अर्निंग कुछ इंक्रीज यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों अगला जो सवाल है वो विक्रम राभा का है, और इनका कहना है भाई जियो में मेन बैलेंस से रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो भाई मेन बैलेंस से आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं, आपका बैलेंस जो है इतना होना चाहिए कि आप रिचार्ज कर पाएं, तो आप रिचार्ज कर सकते हैं मेन बैलेंस से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप मेन बैलेंस से रिचार्ज नहीं कर पा सकते हैं। तो मैंने तो भाई काफ़ी बाहर यहाँ पर किया हुआ है, जो मेन बैलेंस मेरा था वो मैंने ऐसे ही यूज़ किया रिचार्ज करके ही। परवीन कुमार का सवाल है, लावा का दूसरा मोबाइल लॉन्च होने कब लॉन्च होगा। लावा ने दूसरा मोबाइल लॉन्च करने को बोला था, माइक्रोमैक्स और कार्बन कब लॉन्च करेंगे। तो भाई लावा का एक जो है Z66 Pro करके शायद लॉन्च हुआ था, उसके बाद कोई दूसरा स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, और माइक्रोमैक्स और कार्बन की तरफ से भी फिलहाल कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया गया है। सिर्फ जो है यहाँ पर अनाउंस किया गया था माइक्रोमैक्स के द्वारा कि वो 3 स्मार्टफोन लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक तो यार एक भी स्मार्टफोन वो लेकर नहीं आए, बल्कि यहाँ पर जो चाइनीज कंपनियाँ हैं वो धड़ाधड़ स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सारी कंपनियाँ, रेडमी हुआ, शाओमी हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और लगभग हर वीक में एक स्मार्टफोन ये लॉन्च करते जा रहे हैं, लेकिन जो इंडियन कंपनी है वो स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर पा रही यार। अगला जो सवाल है भाई वो जो है टैग रूपधर का है, इनका कहना है आइए कि मोबाइल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ में किसी का वीडियो लेकर वॉइस ओवर करें और चैनल मोनेटाइज होगा क्या। भाई बिल्कुल नहीं होगा यार, आप ऐसे वीडियो बनाओगे तो चैनल कहाँ से मोनेटाइज होगा, और ऊपर से आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो आपको वहाँ पर आ जाएगी, तो ऐसे तो आपका चैनल बिल्कुल भी चलेगा ही नहीं, और ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं। तो चैनल भाई ऐसे बनाने के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं आप यार। अगला जो सवाल है भाई, सैमसंग गैलेक्सी M01 में इंटरनेट स्पीड देखने का ऑप्शन कहाँ है। तो भाई सैमसंग के जो भी स्मार्टफोन आते हैं, ये श्वेत गोयल जी का सवाल था, तो भाई उसमें जो है आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। जो स्पीड ऊपर आपको दिखती है नोटिफिकेशन पैनल में, वहाँ पर आप जो है स्पीड नहीं देख सकते हैं, नेटवर्क स्पीड वहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो प्ले स्टोर से कुछ स्पीड मीटर लाइट करके कुछ एक ऐसा ऐप आता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप स्पीड यहाँ पर देख पाएंगे। हाँ, सैमसंग सेटिंग्स में आपको किसी तरह की ऐसी सेटिंग नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों अगला जो सवाल है वो शिवा भाई का है, भाई मेरा जियो का जो है रिचार्ज 24 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, IPL जो है 19 सितंबर से जो है स्टार्ट होना होगा, मुझे IPL देखने के लिए 401 वाला रिचार्ज करना होगा या 599 रुपये वाले पर करंट प्लान में चलेगा। तो भाई आपको 401 रुपये वाला प्लान तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो अगर 401 का रिचार्ज करूँ तो वो रिचार्ज क्यों में रहेगा, तो तब क्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर 401 रुपये वाला एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप रिचार्ज के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको रिचार्ज जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्लान आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ले पाएंगे, वरना भाई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जो है 401 वाला प्लान ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अगला सवाल है भाई, सक्षम खाना कह रहा है कि आप फ्यूचर में दोबारा जियो के 50 वाले कैशबैक वाउचर मिलेंगे और एक अच्छा सा मोबाइल स्टैंड बता दो। तो भाई सिम्पैक्स का मोबाइल स्टैंड ले सकते हैं, और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग ले सकते हैं, करीबन जो है 1100-1200 रुपये के आसपास वो मिल जाएगा। और 50 रुपये वाले वाउचर के बारे में आपने पूछा कि भाई दोबारा ये मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, भाई बिल्कुल मिल सकते हैं, जब जियो देना चाहे तब वो दे सकता है, और अभी भी दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ नए स्मार्टफोन पर मिल रहे हैं। नए स्मार्टफोन पर आप जो है रिचार्ज करते हैं 299, पता नहीं एक और है कौन सा है वो रिचार्ज करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वाउचर्स मिलते हैं करीबन जो है 2100 रुपये के। जितेंद्र सोरेन, हाय सर कैसे हो, मैं सैमसंग M31S फ़ोन लेना चाहता हूँ, बेस्ट है या नहीं है, माई लव फ्रॉम झारखंड। बिल्कुल भाई, अगर आप जो है किसी चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं और सैमसंग का M31S लेना चाहते हैं
तो इस प्राइस में आप लोगों के लिए यह काफी अच्छा रहने वाला है। अगला सवाल भाई सुंदर लाल का है, ये कह रहे हैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ 10,000 की रेंज में। भाई तो रेडमी 9 प्राइम अभी आया है और मेरे हिसाब से 10,000 में वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है राज डेली अपडेट्स का, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गूगल इन्वेस्टमेंट इन जियो और कॉमन पीपल। तो भाई आपके लिए अभी जियो जो है और गूगल दोनों मिलकर जो है 4G और 5G स्मार्टफोन लेकर आएंगे। गूगल उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर बिल्ड करेगा ताकि एक जो है सस्ते फ़ोन में आप लोगों के लिए एक ऐसा OS दिया जा सके जहाँ पर आपकी जो ऐप्स है वो बिल्कुल आसानी से रन हो सके, किसी तरह से आपको लैग वगैरह ना देखने को मिले, चाहे आपके फ़ोन में कम रैम हो प्रोसेसर वहाँ पर आपको वीक दे दिया जाए। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर ऐसा OS डिज़ाइन करेंगे कि वो आपके स्मार्टफोन पर जो है बिल्कुल स्मूथली रन हो, चाहे आपके स्मार्टफोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर वीक हो फिर भी OS जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक काम करे। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे अभी फिलहाल जियो फोन में आपको जो है गूगल के काफ़ी ऐप्स मिल रहे हैं, गूगल वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर मिल रहा है, तो ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स जो है जियो यूजर्स के लिए फिर आएंगे। दोस्तों अगला जो सवाल है वो ऑल इन वन सक्सेना का है, हेलो सर माई क्वेश्चन इज आई बाय रेडमी 9 प्राइम इन अंडर 10K। तो भाई आपने क्वेश्चन ही पता नहीं यार कैसे पूछा है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप जो है रेडमी 9 प्राइम जो है बाय करना चाहते थे, आई वॉन्ट टू बाय रेडमी 9 प्राइम, और 10,000 में आप खरीदना चाहते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए और मल्टीटास्किंग नो गेमिंग। तो भाई आपके लिए रेडमी 9 प्राइम बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस प्राइस में दूसरा फ़ोन जो है अभी इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस कोई भी नहीं दे रहा है। तो आशीष जायसवाल का ये अगला सवाल है, जियो का प्राइस लो कब होगा और एयरटेल को BSNL पोर्ट कर लूँ पंजाब से हूँ। तो भाई जियो के प्राइस तो लो शायद तो नहीं होंगे, हाँ प्राइस बढ़ जरूर सकते हैं लेकिन प्लान कभी शायद मेरे हिसाब से अब तो सस्ते नहीं होंगे। आपने पूछा कि एयरटेल के सिम को मैं पोर्ट कर लूँ BSNL में और आप पंजाब से हैं, तो भाई मेरे हिसाब से तो पंजाब में तो देखिए BSNL की सिर्फ 3G ही सर्विसेज हैं, तो आप अगर जो है 3G सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, हाँ सेकेंडरी सिम आपके पास दूसरा 4G सिम है और ये आपका जो है BSNL वाला सिम जो होगा वो आप सेकेंडरी सिम के रूप में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हाँ इंटरनेट वगैरह वो आपको इतना अच्छा वहाँ पर नहीं मिलेगा 3G में। अगर आपने 4G यूज़ कर रखा है तो फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि यार स्पीड काफ़ी कम मिल रही है, तो ये सोच कर आप जो है उसके बाद में ही जो है आप पोर्ट करना। यहाँ पर जो है आरिफ मियाँ का ये सवाल है, सर आपका कितना बेटा है, इन्होंने बता लिख दिया, तो यहाँ पर बेटे के बारे में उन्होंने पूछा है, प्लीज़ पिक माई कमेंट। तो भाई मेरे दो बेटे हैं, एक युवराज है और एक प्रतीक है। प्रतीक जो है छोटे वाला बेटा है वो जो है 4.5 साल का है, जबकि एक दूसरा जो बड़े वाला है युवराज वो 5.5 साल का हो चुका है। यहाँ पर अगला सवाल है शिवनाथ बिक का और ये कह रहे हैं, भाई हेलो सर पहले तो थैंक यू, आपने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया फेसबुक पर, मेरा सवाल 7,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ चेक माई क्वेश्चन। तो 7,000 के आसपास भाई लावा Z66 Pro शायद जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो 7,777 रुपये के आसपास शायद आपको मिल रहा है, तो वो मेरे हिसाब से सही रहेगा। इंडियन कंपनी का भी स्मार्टफोन वो है, तो इसलिए आप वो स्मार्टफोन ले सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है वो है ऐश्वर्या सिंह का, और इनका कहना है सर Q&A जियो कस्टमर सर्विस नंबर पे कॉल क्यों नहीं लगती है, आंसर देना है। ये तो 198 पे कॉल कर लिए भाई, आप 198 पर कॉल कीजिएगा, वहाँ पर शायद कॉल आपकी लगेगी। दोस्तों अगला सवाल महेश मात्रे का है, भाई अगर 5G ट्रायल शुरू होने वाले हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ में 5G फ़ोन लेना अच्छी डील है क्या। देखिए अभी 5G ट्रायल जो स्टार्ट होंगे वो सिर्फ जो टेलीकॉम कंपनी है वो खुद से टेस्ट करेंगी, अपनी लैब के अंदर वो टेस्ट करेंगी, वो किसी यानी कि हम जैसे यूजर्स को टेस्ट करने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो उनके जो लोग हैं वो ही टेस्ट करेंगे, लैब में वो टेस्ट किया जाएगा, फिर जो है यहाँ पर जो कमर्शियल ट्रायल्स है वो अलग होंगे। अभी सिर्फ जो कंपनियाँ हैं उनके लिए ट्रायल्स होने वाले हैं, तो अभी तो जो है यहाँ पर 2 महीने के अंदर तो 5G आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ ट्रायल्स कंपनी खुद से करेगी, आप लोगों के लिए अभी फ़ोन खरीदना अच्छा नहीं है क्योंकि आगे और सस्ते स्मार्टफोन आएंगे और वो और अच्छे फीचर्स के साथ में आपको मिलेंगे। ओनली फॉर कार्टून, यहाँ पर भाई जियो फोन के सिम को एंड्रॉयड में चलाने के लिए कितने का रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका जो है जियो फोन का सिम है और आप उसे जो है किसी स्मार्टफोन में चलाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले तो आपको 99 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ेगा जो कि जियो प्राइम मेंबरशिप वाला होगा, तो वो प्राइम मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो रेगुलर प्लान उपलब्ध है जैसे 149 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं जिसमें आपको 24 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, 1 GB डेटा रोजाना मिलता है, तो ऐसे इससे ऊपर जो भी प्लान है 199 वाला हुआ, तो ऐसे जो सारे प्लान है वो आप लोग ले सकते हैं, कोई भी एक रिचार्ज आप लोग करा सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो प्राइम मेंबरशिप है वो वहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे आज आप लोगों के कुछ एक सवाल जो मैंने यहाँ पर रिप्लाई दिया, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। आशा करता हूँ यार वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।